जब सर्द रात में सारा शहर सो रहा होता है तो अपने परिवार का पेट भरने मजबूरी के मारे लाचारी के हारे किस्मत के तड़पाए ये तीन बच्चे अपने कंधे पर प्लास्टिक का बोरा लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में ये बच्चे रात के 12 बजे घंटाघर के समीप कूड़ा बीनते पाए गए। इन बच्चों से जब हमारे संवाददाता अश्वनी ने बातचीत की तो बच्चों ने जो बताया वो आपको अंदर तक झकझोर देगा। पापा क्या करते हैं? पापा रिक्शा चलाते हैं। तो नहीं हो पा रहा है? नहीं। पढ़ाई करते हो? करते हैं, दिन को। दिन में पढ़ाई करते हो और रात में? रात में सुन लेते हैं। मतलब दिन में पढ़ाई करते हो, रात में कूड़ा बीनते हो। तो फिर सोते कब हो? सोते सवेरे। सवेरे सोते हो? कितने देर? एक घंटा से। मत एक घंटा सोते हो? खाना हो जाता है? हो जाता है। तुम बाबू बताओ। बोलिए आप। पर कूड़ा बीनते हो अभी? हाँ। क्यों? पैसा नहीं है। पैसे के लिए कूड़ा बीन रहे हो? इतना रात में क्यों? पैसा नहीं है। तुम्हारे साथ है ये? कहाँ घर है? कबीरपुर। कबीरपुर घर है? हाँ। कैसे कूड़ा बीनते हो, कहाँ कहाँ से? पूरा भागलपुर से बीनते हैं। भागलपुर से बीनते हो पूरा? हाँ। क्यों? पैसे के लिए। क्या करते हैं पापा? पापा रिक्शा चलाते हैं। तीनों भाई हो? हाँ। तीनों भाई मिलके कूड़ा बीन रहे हैं। बच्चों ने कहा कि पैसे नहीं है, पापा रिक्शा चलाते हैं लेकिन अधिक पैसे नहीं हो पाते, पैसे के लिए रात में कूड़ा बीनते हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं और सुबह मात्र एक घंटे ही सो पाते हैं। भागलपुर के नाथनगर के कबीरपुर के रहने वाले ये बच्चे हर रोज किसी न किसी इलाके में जाकर कूड़ेदान से कबाड़ खाने में बिकने वाला प्लास्टिक कूड़ा निकालते हैं और फिर बड़ा भाई रिक्शा से खींचते हुए आगे बढ़ाता है और उसके दो छोटे भाई पैदल चलते हैं और अंत में सभी प्लास्टिक को कबाड़खाने में बेच देते हैं। उससे जो पैसे आते हैं उसे घर में दे देते हैं। जब बच्चों से पूछा गया इतनी ठंड में रात में कैसे कर लेते हो तो बच्चों ने कहा पैसे के लिए करना पड़ता है। देखिए ये तस्वीर काफी मार्मिक है और कहानी भी मार्मिक है। करकराती कपकपाती ठंड है, 12 बजे रात है, ये बच्चे हैं सड़क पर कूड़ा बीन रहे और इसे बेचकर थोड़े बहुत जो इसे पैसे आएंगे उससे ये गुजारा करेंगे, साथ इसके पापा जो हैं रिक्शा चलाते हैं उससे इसका भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है। ये बच्चे का कहना है कि पढ़ते हैं लेकिन रात में कूड़ा बीनते हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं और महज एक घंटा सो पाते हैं। सोचिए इस कपकपाती ठंड में आधी रात को ये बच्चे किस तरह से अपने काम को अंजाम देते होंगे। देश के भविष्य के हाथ में कूड़ा कचड़े से भरा बोरा नहीं, किताब और कॉपी से भरी बैग शोभा देगी। सरकार और जिला प्रशासन से हमारी अपील है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनकी पढ़ाई और पोषण की बेहतर व्यवस्था की जाए।